गैस देखो कीथली ने ट्विटर पे रिसेंटली फोटो डाली डब्ल्यूब्ल्यू से रिलीज होने के बाद और उनको देख के आप कह सकते हो कि दैट ही इज नाउ कीथ बियर्ड व्हाइट कार्ली यस फाइनली एंडिंग दिस कीथली जोक्स ऑन अ हाई एंड नोट चैंपियंस ऑफ द वर्ड मैं 3D डी एक्सते एंड ब्रो अभी कल की जो वीडियो थी जिसमें हमने ओमोस के बारे में बात करी थी कि किस तरह से अंडरटेकर को चाहिए कि भाई सब ओमोस एक अलग ही अंडर द बन के निकल के निकल आए जा मॉडर्न एरा के जिन्होंने अपने ट्विटर पर यानी कि ओमोस ने अपने ट्विटर पर जिनका नाम है जोर्डन ओमोक बेहिन नो वंडर बाय उनके इतने कम फॉलोअर्स है बिकॉज भाई कौन भाई किसको पता है कि जिसका नाम ओमोस है उसका नाम ऐसा होगा रियल लाइफ में तो इसीलिए प्लीज ओमोस रख दो उधर भाई लोग फॉलोअर्स भी आएंगे क्योंकि लोग ओमोस के नाम से ही सर्च करेंगे बट हाँ उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि मैन आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स जस्ट ग्रेटफुल थैंक यू अंडरटेकर यही नहीं करना था इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी था अंडरटेकर को चैलेंज दे सकते थे यार अंडरटेकर ने यही बात करी थी कि बस अपना कैरेक्टर मत खोना और वो खो दिया भाई आप जाइंट हो ये ये क्या ये क्या फीमेल डिविजन की सुपरस्टार हो क्या आप जो ऐसे लिख रहे हो मैन आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स जस्ट ग्रेटफुल बट एनी वे आई नॉट कंप्लेन बिकॉज दिस ज वट सोशल मीडिया वॉन्ट्स और आज की जनरेशन में ऐसा ही लिखना फायदेमंद है खाम खा अंडरटेकर को चैलेंज दे देते हैं इनको डेथ थ्रेट्स आने लग जाते हैं अब तू जानता भी अंडरटेकर कौन है <laughs> तो आई थिंक ओमोस ने अपने लिए तो ठीक ही किया है बट अभी के लिए बात करते हैं एक ऐसा बंदा जो कि अपने लिए बहुत ठीक करता आ रहा जैसे डब्ल्यू से गए हैं इट्स रायबैक right yes, अगर आप उन लिस्ट बनाओगे उन सुपरस्टार्स की जो कि डब्लू डब्ल्यू से रिलीज होने के बाद कड़वे बने हैं तो उस लिस्ट में सबसे पहला नाम राय बैक का रहेगा डब्लब्ल्यू से जाने के बाद उन्होंने बहुत कुछ चीजें कही हैं और रिसेंट का उनका केस सबसे फनी था जब उन्होंने डब्ल्यूब्ल्यू में रिटर्न करने के लिए पोल्स निकाले थे जब लोग रिटायर होने के लिए उन्हें कह रहे थे तो अभी रिसेंटली उन्होंने बताया कि देखो मैं डब्लू डब्ल्यू में आना चाहता हूँ बाय द वे दिस इज अ फोर्टी ईयर ओल्ड गाय टॉकिंग ओके ये फोर्टी ईयर ओल्ड का राय कहते हैं कि मैं डब्ल्यूब्लू में आने को बिल्कुल तैयार हूँ मैं वहां पे काम करने को तैयार हूँ ओनली इफ अगर वो बिच जाती है मैं हमेशा से ऑनेस्ट रहा हूँ और वहां पे एक नई लीडरशिप आएगी देन मैं काफी इंटरेस्टेड होऊंगा हूँ को रिविजिट करने में बिकॉज वो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा एज अ ब्रांड और एज अ परफॉर्मर बिकॉज इन दी एंड वही वो जगह है जहां से मैंने ऑडियंस बनाई थी और जहां से लोग मेरे को जानते है बापरे इतना सब पता होने के बाद ये हाल है, है का मतलब बंदा सेल्फ अवेयर भी है और फिर वैसे काम भी नहीं कर रहा बट खैर द थिंग थिंग इज पर्सनली आई हैव नो खेर हाँ राय बैग को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए आई कैन अंडरस्टैंड कि जो जिसने 2013 या 12 के टाइम पे देखनी शुरू करी थी राय बैग कुड बी अज डील फॉर देम एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वही है सोशल मीडिया पे आजकल जिन्होंने उस टाइम पे शुरू किया था तो ऑफकोर्स राय बैग को लगता होगा कि हाँ यार ऑडियंस तो मेरी मेरे को पसंद कर रही है एक्सेप्ट जब आप ट्विटर पे पोल डालते हो तो लोग रिटायर लिख देते हैं वो तो तुम्हारी गलती है रिटायर कौन लिखता है यार और रही बात नए ओनर की ट्रस्ट में जो आप मैचेस लड़ते हो जो उसके अंदर आप हरकतें करते हो उसमें ऑनर का कोई भी रोल प्ले नहीं होता है वो आपके खुद की उपज होती है जब सीएम पंग जैसे बंदे को एक रेसलिंग मैच में पिस ऑफ कर सकते हो देन ट्रस्ट मी रिंग के अंदर तो आप कुछ कमाल नहीं कर रहे थे बट अगेन लाइक एज अ बिग गाय आई थिंक रायबैक अभी भी कुछ रोल प्ले कर सकते हैं एंड टू बी ऑनेस्ट उनको एई में जाना चाहिए लाइक पर्सनली दिस इज हाउ आई फील बिकॉज लाइक डब्ल्यू डब्ल्यू और ईडब्ल्यू को अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरे लिए डब्ल्यूब्ल्यू थोड़ी ज्यादा मैटर करती है तो मैं नहीं चाहता कि डब्लू डब्ल्यू में राय बैक आए और रही बात ओनरशिप की तो भाई देखो ऐसे इंटरव्यू नहीं देने चाहिए कही प, कही पता चले विंस की डेथ हो गई या फिर कुछ मिस्टीरियस डेथ हो गई खाम राय बैक का नाम लगेगा कि भाई साहब यही कह रहा था और इसके ऊपर ही लोग चढ़ जाएंगे अबे इसी ने तो नहीं मार दिया सीएम पंक तो बोल भी देगा हाँ मेरे को तो मैच के दौरान मारने की कोशिश करी थी तो ये बंदा मार भी सकता है औसो जयफा ने एक बार फिर से भाई साहब हेड ऑफ द टेबल की टेबल तोड़ने की बात करी है जब उन्होंने बताया कि रोमन रेंस को मैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हराना चाहता हूँ वो मेरा ड्रीम है और उसको मैं पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं मैंने सेथर डीन एम्ब्रोस के साथ मैचेस किए हैं अभी जो द शील्ड का बंदा बचा हुआ है, वो है रोमन रेंज जिसके साथ मैं अभी तक कॉन्टैक्ट में नहीं आया तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई ऐसी स्टोरी हो जिसमें मैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हरा तो वो काफी बढ़िया होगी और मैं वहां पर बिलोंग भी करता हूँ देखो जैफ मैं बस ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इनका यूनिवर्सल टाइटल का ये रेन तोड़ते हो देन ट्रस्ट में आपसे ओवर कोई नहीं होने वाला इस जनरेशन में भाई जैफ हार्डी फिर से एक बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा सो ये कभी 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 थाट आता है ऐसा लगता है कि अरे यार अगर जैफ हार्डी ने रोमन रेंस को हरा दिया क्या ही मजा आ जाएगा बट रियलिटी ये है कि जेफ हार्डी वर्सेज ऑस्टिन थ्योरी ऐसे मैचेस देखने को मिलते हैं हमें तो सोचने को तो भाई मैं भी सोचता हूँ कि काश कल मेरी बिल गेट्स और लॉन मस्क के साथ मीटिंग हो जाए बट नहीं एनीवेज़ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो नाउ कमेंट्स में मेरे को ये लिख कर बताना कि लाइक डू यू वांट टू सी राईबैक इन WWE और इन AEW और like, like. uh, like, अगर, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो डरना मत राईबैक इधर आके कुछ नहीं बोलने वाला मैं फैंस को पास बुलाया बैठे शब्द से सबका दिल था चुराया अपने नाम का सच दम था बनाया तोला का इसले परिफार टच दिलाया समय की मार है या मेहनत की हार है ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है अफसोस है की आज सब ने इसको भुलाया फ्राइडेज को इसने आर के ओर लगाया फ्राइडेज को इसने आर के ओ